हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। लास्ट वीडियो में हमने सेरेब्रल पाल्सी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात की और सेरेब्रल पाल्सी कितने प्रकार की होती है ये आपको बताया। अब हम हर प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज हम सब स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और इन बच्चों का अगर समय से इलाज नहीं कराया जाता है तो इन बच्चों में हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी और सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का क्या इलाज है, आज हम सब इन सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की क्या समस्याएँ होती हैं और उनका क्या इलाज है। सेरेब्रल पाल्सी, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, एक आम आदमी कैसे पहचानेगा कि उसके बच्चे को स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में हमें हाथों और पैरों की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा सख्तपन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अकड़न होती है, जिसकी वजह से ये बच्चे चलने फिरने के साथ साथ उठने बैठने की समस्या इन बच्चों में होती है। अगर हम बात करें बच्चे के, अगर थाई के अंदर की मांसपेशियां टाइट हैं या सख्तपन है तो बच्चा जब भी खड़ा होता है तो अपने पैरों को क्रॉस कर लेता है, कैंची बनाता है, तो ये सारी समस्याएं थाई के अंदर की मांसपेशियों में सख्तपन की वजह से होती हैं। अगर बच्चे के घुटने के पीछे की मांसपेशियों में सख्तपन है तो बच्चा जब भी खड़ा होगा या चलेगा तो हमेशा अपने घुटने को मोड़ कर रखता है। अगर बच्चे के पंजे की मांसपेशियां सख्तपन है तो बच्चा जब भी खड़ा होगा या चलेगा तो वो अपनी एड़ी को उठा लेता है। बच्चे जब भी हम पालथी मार के बैठाते हैं तो अपने घुटनों को उठा लेता है। बच्चे को हम जब भी उकड़ू बैठाते हैं तो बच्चा हमेशा अपनी एड़ी को उठा लेता है। अगर बच्चे के हाथ की मांसपेशियां टाइट हैं तो बच्चा इस तरह से नहीं कर पाता है, कलाई बच्चे की हमेशा नीचे रहती है और ये सारी समस्याएँ मांसपेशियों में अकड़न और सख्तपन की वजह से होती हैं। साथ साथ इन बच्चों में हमें मांसपेशियों की ताकत भी कमी देखने को मिलती है और बैलेंस की भी समस्या इन बच्चों में होती है। अब हम बात करेंगे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी कितने प्रकार की होती है। तो पहला हमारा होता है हेमिप्लेजिया। इन बच्चों में एक ही तरफ के एक हाथ और एक पैर में समस्या देखने को मिलती है। पैर की अपेक्षा हाथ में समस्या ज़्यादा होती है। बच्चे अपने हाथ को अक्सर मोड़ के रखते हैं, कलाई हमेशा नीचे किए रहते हैं, अपनी मुट्ठी को हमेशा बंद करके रखते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहता है, उंगलियां हमेशा नीचे किए रहते हैं। तो इन बच्चों बच्चों में मांसपेशियों की ताकत की कमी होती है। जब भी इसलिए बच्चे अपने हाथ से कुछ नहीं पकड़ पाते हैं, जब भी वो पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मांसपेशियों में ताकत की कमी और अकड़न की वजह से बच्चे हाथ से कोई सामान नहीं पकड़ पाते हैं। 20% बच्चों में हमें हेमिप्लेजिक स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी की समस्या देखने को मिलती है और इन बच्चों में चलने के साथ साथ देखने की समस्या होती है, विजन की समस्या होती है और झटके आने की भी समस्या देखने को मिलती है। इन बच्चों में हमें बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर इन बच्चों को सही इलाज मिल जाए। दूसरी वैरायटी हमारी होती है डाइप्लेजिया स्पास्टिक सीपी। इन बच्चों के हाथ जनरली नॉर्मल होते हैं या हल्की फुल्की फंक्शनल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। हल्की फुल्की समस्या हाथों में हो भी सकती है बट पैरों में मांसपेशियों में ताकत की कमी, टाइटपन, मांसपेशियों में सख्तपन और अकड़न, बैलेंस की कमी होती है। इन बच्चों में पैरों में समस्या ज़्यादा होती है। 30% बच्चों में हमें डाइप्लेजिया स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी की समस्या देखने को मिलती है। तीसरी वैरायटी होती है ट्राइप्लेजिया स्पास्टिक सीपी। इन बच्चों में दोनों पैरों के साथ साथ एक हाथ में समस्या होती है। पैरों की अपेक्षा हाथ में समस्या ज़्यादा होती है। बच्चे अपने हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाते हैं, हाथ को हमेशा मोड़ कर रखते हैं, मांसपेशियों में सख्तपन होता है। पैरों में बच्चे हमेशा, कोई बच्चे घुटने मोड़ के रखते हैं, किन्हीं का घुटना पीछे जाता है और बहुत सारे बच्चे को बैलेंस की समस्या होती है और ताकत की कमी होता है। बच्चे खड़े होते हैं तो अक्सर एड़ी उठाते हैं और बैठने उठने की समस्या इन बच्चों में होती है। चौथी वैरायटी होती है क्वाडिप्लेजिया स्पास्टिक सीपी। क्वाडिप्लेजिया स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी को सीवियर टाइप की सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं क्योंकि इन बच्चों में हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं
इन बच्चों के पूरे शरीर में मांसपेशियों में ताकत की कमी, मांसपेशियों में अकड़न और सख्तपन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बच्चे गर्दन नहीं उठा पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। इन बच्चों का अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक भी इन्वॉल्व होता है। इन बच्चों में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन बच्चों में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करेंगे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का क्या इलाज है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में अगर मांसपेशियों की जो सख्तपन होता है, टाइटपन होता है, जैसे अगर बच्चा अपने पैरों को क्रॉस कर रहा है तो हमें मांसपेशियों को ढीला करने के साथ साथ उसमें ताकत लाने वाली कसरत करानी पड़ती है। अगर बच्चा अपना पंजा उठा रहा है, एड़ी को पूरा नहीं रख पा रहा है, तो उसमें हमें एड़ी को ढीला करने वाली कसरत करानी पड़ती है। अगर बच्चा हाथ को इस तरह से नहीं कर पा रहा है तो पहले हमें हाथ को ढीला करने के साथ साथ ताकत लाने वाली कसरत करानी होती है। जब बच्चे की मांसपेशी ढीली हो जाती है, हाथों और पैरों में ताकत आ जाती है, फिर बच्चे को हमें ताकत लाने वाली कसरत कराने की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम मांसपेशी को ढीला करते हैं, उसके साथ साथ ही हम ताकत लाने वाली कसरत कराते हैं। जब ताकत आने लगती है फिर हमें बच्चे को बैलेंस ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि बच्चा अपनी बॉडी को बैलेंस करे और चलने फिरने सीखे। उसके साथ साथ हमें बच्चे को गेट ट्रेनिंग देना पड़ता है, बच्चे को चलाना सिखाना पड़ता है। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में हर प्रकार के बच्चे में अपनी अपनी समस्या देखने को मिलती है। कुछ बच्चों का घुटना पीछे जाता है, कुछ बच्चे घुटने मोड़ कर रखते हैं, कुछ बच्चे अपने पैरों को कैंची करते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ अपनी एड़ी को उठाते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी में हर एक बच्चा डिफरेंट टाइप का होता है। हर बच्चे में अपनी अपनी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का अगर समय से इलाज नहीं कराया जाए तो इन बच्चों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में अगर हम समय से इलाज नहीं कराते हैं तो इन बच्चों में जो टाइटपन होता है, जो अकड़न होती है, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्चर में बदल जाती है, ज्वाइंट एकदम लॉक हो जाते हैं, और फिर इसमें हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब बच्चे की मांसपेशियों में कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो जाते हैं तो उसमें फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, फिर उस मांसपेशी को फिजियोथेरेपी द्वारा ढीला, पूरी तरह से ढीला नहीं किया जा सकता है, फिर उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का हमेशा ही हमें समय से इलाज स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को ऑपरेशन से बचाया जा सके। यहाँ पे और एक बात ध्यान रखनी है, अगर सेरेब्रल पाल्सी बच्चा बैठता है, थोड़ा बहुत चलता है, उसके बाद अगर उसकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या है, बैक हो जाता है, बच्चा चलना फिरना उठना बैठना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे बच्चा बेड पे आ जाता है। तो बच्चों की जो भी एक्सरसाइज चल रही हैं उसे हमेशा ही रेगुलर कराना पड़ता है। जब तक बच्चे की हाइट बढ़ती है तब तक हमें एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बच्चों में चलना फिरना समय से पहले आ जाता है तो फिर धीरे धीरे उनकी एक्सरसाइज बंद होती जाती है या कम होती जाती है। तो लेकिन इन बच्चों में हमें लंबा एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत पड़ती है, तभी इन बच्चों में हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ऐसे बच्चों का इलाज हमेशा ही पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में कराना चाहिए, क्योंकि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट को इन बच्चों से लेकर पूरा ज्ञान होता है कि बच्चों में क्या कराना है और क्या नहीं कराना है। इस चीज़ का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि कब कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होती है और कब कौन सी एक्सरसाइज बंद करनी है, जिससे बच्चों में हमें बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके और बच्चे जल्दी चलना फिरना सीख सकें। एक बात और ध्यान रखना है, हर प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी लक्षण हमने बताए हैं कि हर प्रकार के बच्चे में हैं। कुछ बच्चों में ताकत की कमी होती है, कुछ बच्चों में टाइटपन होता है, कुछ बच्चों में मांसपेशियों में ताकत नहीं होती है, उसके साथ साथ बैलेंस की भी समस्या होती है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चा हर एक डिफरेंट बच्चा होता है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, उसी प्रकार से हमें ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को माता पिता को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। जो माता पिता अपने बच्चे में रेगुलर एक्सरसाइज कराते हैं, मेहनत करते हैं, उनके बच्चों में हमें बहुत ही कम समय में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे बच्चों के माता पिता को भी रेगुलर एक्सरसाइज करानी चाहिए,
तभी उनके बच्चे जल्दी ठीक हो पाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे सेंटर पर एक स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे का वीडियो है जो कि हमारे सेंटर पर आया है। बैठता नहीं था, सही से खड़ा नहीं हो पाता था, चलता नहीं था, घुटने को हमेशा मोड़ कर रखता था, लेकिन 2-3 महीने में हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने के बाद आज ये बच्चा एक स्टिक से अच्छे से चल रहा है, थोड़ा खड़े होने की कोशिश भी कर रहा है। पहले से इस बच्चे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी की कुछ मदद करेगी, कुछ हेल्प करेगी। अगर आप सेरेब्रल पाल्सी बच्चों से रिलेटेड किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं या उनके इलाज के बारे में कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए गए सेंटर पर नंबर पर कॉल करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।